दादर में शौचालय की देखरेख करने वाले ने एक व्यक्ति की हत्या। शौचालय का उपयोग करने के बाद पैसे नहीं देने को लेकर शुरू हुआ था विवाद। डकैती और चोरी के मामलों में 10 सालों से फरार आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। हाथ पर बने टैटू की मदद से पुलिस ने की गिरफ्तारी। मालिक की कंपनी में चोरी कर नौकर बन गया मालिक। कंपनी में रखे हुए 5 लाख रुपए चुराकर खुद का खोला दुकान। समता नगर पुलिस ने चोरी के 5 लाख रुपए किए जब्त। G20 के प्रतिनिधियों का हाथ में तिरंगा लेकर किया गया स्वागत। G20 के प्रतिनिधि आज बोरीवली नेशनल पार्क में स्थित कनेरी गुफा का करेंगे भ्रमण। मुंबई में महामोर्चा से पहले उद्धव गुट को लगा बड़ा झटका। उद्धव गुट के 12 नगर सेवक शिंदे गुट में हुए शामिल। नासिक के नगर सेवकों ने दिया सीएम शिंदे का साथ। ठाणे में कैडबरी फ्लाईओवर पर डीजल रिसाव के बाद मुंबई जाने वाला यातायात हुआ प्रभावित। 17 दिसंबर को मुंबई की सड़कों पर निकलेगा महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ महामोर्चा। जीजामाता उद्यान से लेकर आजाद मैदान तक निकलेगा मोर्चा। राज्यपाल का इस्तीफा नहीं लिया तो महामोर्चा के बाद महाराष्ट्र बंद और फिर भारत बंद का करेंगे ऐलान। कांग्रेस नेता ने दी चेतावनी। कुडला के विधायक मंगेश कुडालकर ने बाला साहेब की शिवसेना कार्यालय का किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के हाथों किया गया शुभ कार्य। आज पूरे देश में मनाया जा रहा है विजय दिवस। 16 दिसंबर 1971 में पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने घुटने टेके थे और दुनिया के नक्शे पर बांग्लादेश के रूप में एक नए राष्ट्र का उदय हुआ था। मुंबई का आइकॉनिक बुच हाउस लोगों के लिए हुआ बंद। हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग विभाग के द्वारा मरम्मत का किया जाएगा काम। मुंबई में 51 साल की विधवा के साथ 35 साल पुराने दोस्त ने किया रेप। गोरेगांव पुलिस में दर्ज हुआ मामला। महापुरुषों के अपमान को लेकर सोमवार को पंडरपुर में बंद का ऐलान। शिंदे गुट और मनसे के अलावा सभी पक्षों ने दी समर्थन। अब होर्डिंग के जरिए इनकम बढ़ाएगी बीएमसी। 200 करोड़ रुपए वार्षिक राजस्व प्राप्ति की उम्मीद। कांदिवली मीरा रोड स्टेशनों को मिलेगा 125 करोड़ रुपए का मेकओवर। एमआरबीसी ने मुंबई के 18 रेलवे स्टेशनों को फिर से डिजाइन करने के लिए तैयार किया बजट। जनवरी में पश्चिमी उपनगरों की मेट्रो का पूर्ण रोल आउट होने की संभावना। ऑल्टमॉस एमएमआरडीए को रोलिंग स्टॉक की सर्टिफिकेट देने के लिए है तैयार। हिंदुओं के बाद अब मुस्लिम भी हुए आक्रामक। पठान फिल्म का नाम बदलने की मांग। उलेमा बोर्ड और ऑल इंडिया मुस्लिम फेस्टिवल कमेटी ने फिल्म का किया विरोध।